1. क्या आपने कभी पेपर शब्द बोला है? जरूर बोला होगा एग्जाम के वक्त क्वेश्चन पेपर। हाँ, एग्जाम तो सबने लगभग दिया ही होगा। तो क्या आपको मालूम है कि पेपर शब्द आया कहाँ से? पेपर शब्द पेपरस शब्द से लिया गया है। पेपरस एक पेपर प्लांट है, यानी जिससे पेपर बनता है। यह प्राचीन मिस्र में मुख्य लेखन सामग्री थी, यानी कि पहले के जो इजिप्टियंस थे वो इसको लिखने के लिए यूज करते थे, और जिसे यूनानियों ने अपनाया था और रोमन साम्राज्य में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। आज भी हम मॉडर्न पेपिरस बनाने में सक्षम हैं, जिसका इस्तेमाल कलाकारों और सुलेखों द्वारा उत्कृष्ट चित्रों और यहाँ तक कि ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए एक विशेष कागज के रूप में किया जाता है। नंबर 2, आपने चॉकलेट तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है चॉकलेट कैसे बनता है? चॉकलेट कोकोआ नाम के पेड़ से बनता है, जिसकी खोज 4000 साल पहले अमेरिका के वर्षा वनों में हुई। कोकोआ पेड़ की फलियों में जो बीज होते हैं उनसे चॉकलेट को बनाया जाता है। इसके बीजों को कोको कहते हैं। जो इसका बीज होता है वो काफी कड़वा होता है, लेकिन जब चॉकलेट बनाने का वक्त आता है तो उस समय उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जिससे इसका कड़वापन मीठेपन में तब्दील हो जाता है और आपको खाने में बहुत टेस्टी लगता है। क्या आपको मालूम है कोकोआ पेड़ 200 साल तक जी सकते हैं, लेकिन 25 साल तक ही ये वैसे बीजों को हमें दे सकते हैं जिनसे हम चॉकलेट बना सकते हैं। सभी कोकोआ पेड़ एक साल में 2500 बीजों का उत्पादन करते हैं। ये पेड़ 4 से 5 साल की उम्र में ही बीजों का उत्पादन करने लगते हैं। 1 किलो चॉकलेट बनाने के लिए लगभग 800 कोको बीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक कोकोआ ट्री हमें एक साल में कितना चॉकलेट प्रोवाइड करता है, क्या आप बता सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। नंबर 3, क्या आपको मालूम है कुछ पौधे मांसाहारी होते हैं, यानी जो कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं और खाने के बाद उनके शरीर से जो भी उन्हें उनके लिए पोषक तत्व मिलते हैं उसे वो पचा लेते हैं, और पचाने के बाद फिर से उन्हें वो छोड़ देते हैं। छोड़ देना मतलब मार के छोड़ देते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप। फ्लाई ट्रैप ये एक ऐसा पौधा है जो अमेरिका में कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं, दोनों के बीच एक उभार होता है, वह दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं। इनमें से किसी को कोई छू ले तो पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। कीट मतलब वही कीड़े मकौड़े जो उन पत्तों पर चलते हैं धीरे धीरे। अब उन बालों की वजह से उन्हें पता चल जाता है कि मेरे ऊपर से कोई कीटाणु जा रहा है, कोई कीट जा रहा है। उस वक्त वो तुरंत अपने भाग को बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद उस कीट को, उस कीटाणु को अच्छे से पचाते हैं, और पचाने के बाद जब उन्हें लगता है कि ये कीटाणु पूरी तरीके से, इसमें जो भी पोषक तत्व है वो मैंने अच्छे से पचा लिया है, अपने अंदर ले लिया है, फिर वो अपने दोनों भाग को खोलते हैं और उसके बाद नेक्स्ट किसी और शिकार का वेट करने लगते हैं। लेकिन ये पौधे ऐसा क्यों करते हैं? इनको कीड़े मकोड़ों को खाने की क्या जरूरत पड़ती है, ये भी जानते हैं। आमतौर पर मांसाहारी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जो अम्लीय होती है, अम्लीय यानी कि एसिडिक, और दलदली भी होती है,
और दलदली एसिडिक मिट्टी होने के कारण उन पौधों को नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि उनको भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। और इस कमी को ही पूरा करने के लिए उन पौधों को कीटों को कीटाणुओं को पकड़ना पड़ता है और उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करना पड़ता है। पिच्चर, पिच्चर मतलब क्या होता है? मटकी, है ना? तो पिच्चर प्लांट हमें पिच्चर यानी मटकी जैसा ही कुछ दिखने में लगता है। ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, उस मटकी के अंदर पानी भी है, यानी पिच्चर प्लांट के अंदर मीठा पानी होता है। और उस मीठे मीठे पानी की वजह से ही जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसकी तरफ क्या होता है, ये होता है नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को ड्रोसीरा प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ। ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है, देखिए, है ना बहुत ज्यादा सुंदर। इस पौधे की गोलाई में करीब 25 पत्तियाँ होती हैं, जिसकी प्रत्येक पत्ती यानी हर एक पत्ती पर 200 से अधिक छोटे छोटे बाल होते हैं। इन बालों की चोटी पर एक चमकीला पदार्थ होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, चमक रहा होगा, जो वो उसे ही तो देखकर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस चमकते हुए रस को देखकर। वो एक्चुअल में बहुत ही मीठा रस होता है और बहुत ही चिपचिपा सा होता है, जिसको छूते ही जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद फिर वो छटपटाने लगते हैं। और ऐसा करते ही जो उस पौधे पर लंबे लंबे रेशे होते हैं, जो बाल होते हैं, वो उनको चारों तरफ से जकड़ लेते हैं और इसके बाद उस इंसेक्ट्स के सारे जो उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है, जो प्लांट को अपने लिए चाहिए होता है, वो उसके अंदर से वो ले लेते हैं। और जब वो डाइजेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो सीधे हो जाते हैं और सीधे होने के बाद फिर अपने अगले शिकार के इंतजार में लग जाते हैं। डू यू नो विच इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? यस, द आंसर इज रेफ्लेसिया, बट इट्स नॉट माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन थोड़ा आज अलग है और क्वेश्चन ये है, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? एंड द आंसर इज वोल्फिया ग्लोबोसा। वोल्फिया ग्लोबोसा को और भी नाम से जाना जाता है, वाटरमेल डकवीड। ये पौधे आपको ज्यादातर पानी में उगते हुए दिखेंगे, जैसे तालाबों में, नदियों में। और ये कितने भी टॉक्सिक पानी में उगे, लेकिन ये टॉक्सिक नहीं होते हैं। ये उस पानी से जिसमें ये उगते हैं, उस पानी से ये फास्फोरस और नाइट्रोजन अपने अंदर लेते हैं और इसके वजह से ही ये काफी प्रोटीन रिच होते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 44% होता है। पानी में रहने वाले जानवर इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। अब आप किसी से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, तो आप इजीली उसका आंसर भी दे पाएंगे। द आंसर इज वुल्फिया ग्लोबोसा। रफ्लेसिया फ्लावर हमारे इस दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, आप लोगों को मालूम है, लेकिन इसके बारे में कुछ मैं आज फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जो शायद ही आपको मालूम होगा। तो क्या आपको मालूम है कि इस फूल का नाम सर स्टैमफोर्ड रैफल्स के नाम पर रखा गया है? और स्टैमफोर्ड रैफल्स कौन है? ये मॉडर्न सिंगापुर के फाउंडर हैं। आपको क्या मालूम है कि जो रेफ्लेसिया है इसको खिलने में कितना समय लगता है? तो इस फूल को खिलने में 9 से 21 महीने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना? और ये फूल कितने समय तक खिला रहता है? 5 से 7 दिनों तक। करीब एक हफ्ते के बाद ये मुरझाने लगता है। क्या इस फूल में कोई सुगंध होता है? इतना बड़ा है, खिला हुआ है, तो मैं आपको बता दूं,
इस फूल में सड़े हुए मांस की बदबू आती है। आई होप सो ये फैक्ट्स आपको काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। आई होप सो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट। आप जब कॉमेंट करते हैं तो मुझे इसके बाद और भी ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने का मन करता है। और इस वीडियो को प्लीज उनके साथ जरूर शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स हैं और जिनको प्लांट्स के बारे में ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ सुनना और देखना काफी ज्यादा पसंद आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज स्टे हैप्पी।